Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today I am here with an interesting topic that is going to change the game of your skin. Yes, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन की गेम को चेंज कर देगा. Yes, and that product is moisturizer. Importance of moisturizer, जिसको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में. मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन की AM और PM दोनों रूटीन्स के लिए. मॉइस्चराइज़र के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ अ मॉइस्चराइज़र इज़ कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है. आपकी स्किन जब ड्राई होती है तो फ्लेकी हो जाती है और ग्लो नहीं होती. सो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ग्लोई रहती है आपकी स्किन, ड्यूई रहती है. और जब आप मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं सो आपकी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग भी होती है और आपका मेकअप नेचुरली ड्यूई लगता है. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन के कोलेजन लेवल को इन्हांस करता है. जब आपकी स्किन का कोलेजन लेवल इन्हांस हो जाता है सो आपकी फाइन लाइन्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, ये इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाते हैं एंड योर स्किन लुक्स मोर हाइड्रेटेड, मोर बैलेंस्ड, मोर टेक्स्चर्ड. आपकी स्किन का टेक्स्चर ओवरऑल बेहतर होना शुरू हो जाता है. देन आपका मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए एक बैरियर के तौर पर काम करता है. जो भी सारे एनवायरनमेंट के डिफरेंट डिसएडवांटेजेस होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपकी स्किन तक नहीं आने देता. आपकी स्किन का ओवरऑल टेक्स्चर इन्हांस होता है और आपका कॉम्प्लेक्शन भी ब्राइटन्ड अप हो जाता है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट के मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए क्या करता है. अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हर तरह की स्किन टाइप्स वालों को मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए. सो यस, हर तरह की स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है. आपकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, किस तरह की भी आपकी स्किन है, आपको मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. आपको AM में भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना है यानी सुबह में, और PM यानी आपकी नाइट टाइम रूटीन में भी आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपकी ऑयली स्किन भी है तो इस समर्स में तब भी आपके लिए मॉइस्चराइज़र एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको स्किप नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. अगर हम मॉइस्चराइज़र स्किप करते हैं सो आपकी स्किन लूज़ हो जाती है, कोलेजन लेवल डाउन हो जाता है और उसमें हाइड्रेशन ख़त्म हो जाता, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और डिफरेंट तरह के डिसएडवांटेजेस आपकी स्किन फेस करती है. Now we talk about कि हमें किस तरह का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग. सो जो मॉइस्चराइज़र्स मैंने यूज़ किए हैं पर्सनली वो मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करती हूँ और उनके डिफरेंट एडवांटेजेस भी. सो यू कैन चूज़ कि आपको कौन सा वाला अपनी स्किन के हिसाब से लेना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज़ गार्नियर विटामिन सी लाइट फेयरनेस क्रीम. अच्छा, ये फेयरनेस क्रीम भी है, इसको आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं. कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करती है और प्लस जो है वो आपका मॉइस्चर आपकी स्किन में रहता है और आपकी स्किन हाइड्रेटेड और ड्यूई फील करती है. सो नॉर्मल रेंज में एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है गार्नियर विटामिन लाइट. नॉर्मल रेंज में हमारे पास नेक्स्ट जो अच्छा मॉइस्चराइज़र है और आजकल मेरी रूटीन में ये मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एंड इट हैज़ गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट्स. मेरी स्किन पर ऑयल नहीं आता, ग्रीजी नहीं होती, बिल्कुल हैवी फील नहीं होती और इसके अंदर आपको SPF 20 मिलता है जो कि आपकी स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस मॉइस्चराइज़र के. और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम्पी फील होती है. सो आप इसको भी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम्स में यूज़ कर सकते हैं. हमारे नेशनल ब्रांड्स की बात करते हैं सो उसमें दिस हर स्किन ड्रिंक, दिस हैज़ ऑल्सो डन वंडर्स फॉर माई स्किन. मेरी स्किन के लिए इसने भी बहुत अच्छा काम किया है. ये मेरे पास सीरम भी है, ये मेरे पास मॉइस्चराइज़र भी है, ये 2-in-1 प्रोडक्ट है
और ये आपकी स्किन पर, अगर आप इसको डैम्प स्किन पर यूज़ करते हैं तो आपको सीरम की भी ज़रूरत नहीं है. एंड दिस वन मॉइस्चराइजर इज़ अनफ एंड इट इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन. आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ये हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट काम करता है. अगेन दिस इज़ अ नेशनल ब्रांड और ये मेरा पर्सनल फेवरेट मॉइस्चराइजर है. मेरी स्किन पर हल्की सी रेडनेस होती है, कोई इरिटेशन होती है, कुछ भी मुझे फील होता है, कोई एक पिंपल भी फील होता है और मैं ये वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ एंड विद इन लाइक 12 आवर्स मेरी स्किन नॉर्मल हो जाती है. लाइक ये वाला जो मॉइस्चराइजर है दिस इज़ माई फेवरेट एंड प्लस ये आपको इजीली अवेलेबल भी है और आप इसको भी मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन में यूज़ कर सकते हैं. अब इस मॉइस्चराइजर में डिफरेंस ये है कि इसमें नायासिनमाइड है, सो आप इसको विटामिन सी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है. ओके, सो अगर हम हाई एंड की बात करते हैं मॉइस्चराइजर्स में, सो दिस विशफुल हनी बाम ये वाला हाई एंड में है बट ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है. आई यूज़ इट बिफोर माई मेकअप एंड माई मेकअप लुक्स सो ड्यूई, सो हाइड्रेटेड, सो लाइक नेचुरल ग्लो ये मेरे मेकअप को देता है. और अगर आप इसको नाइट टाइम रूटीन में वैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं सो तब भी ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है. लो एंड में हमारे पास प्राइमरी स्किन का मॉइस्चराइजर है विद नायासिनमाइड और हाई एंड में आई यूज़ विशफुल का हनी बाम एंड दिस पर्पल वन, दिस इज़ माय फेवरेट. इवन बिफोर मेकअप भी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, आफ्टर मेकअप भी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ और ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है ये मैं आपको नहीं बता सकती. बट द प्रॉब्लम इज़ ये थोड़ा सा लाइक आउट ऑफ बजट हो सकता है, सो यू कैन गो फॉर द ऑप्शन जो मैंने आपको लो एंड में बताया है विद नायासिनमाइड. आई हैव अनदर मॉइस्चराइजर विच इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है सो आपके लिए दिस हाइड्रो बूस्ट न्यूट्रोजना ये वाला मॉइस्चराइजर बेस्ट है. आप इसको AM में यूज़ करें, इसको PM रूटीन में यूज़ करें, बिफोर मेकअप यूज़ करें, इट एक्ट्स एज अ प्राइमर एज वेल एंड दिस हैज़ डन वंडर्स. लाइक ये बिल्कुल लाइट वेट है, ये आपको ज़रा सा भी हैवी फील नहीं होगा, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर. लाइक इन माई पर्सनल ओपिनियन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है सो दिस न्यूट्रोजना ये वाला मॉइस्चराइजर हाइड्रो बूस्ट ये भी बहुत अच्छा काम करता है और दिस डर्मी वे, ये दोनों मॉइस्चराइजर आपकी स्किन पर इतना लाइट फील करते हैं दैट यू विल लव योर स्किन और आपका दिल करेगा कि आप बार बार ये वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें. नेक्स्ट, अगर आपकी स्किन में सिर्फ टी जोन एरिया में ऑयल आता है और आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है सो दिस मॉइस्चराइजर इज़ गुड फॉर यू. ये थोड़ा सा हाई एंड मॉइस्चराइजर है एंड इट इज़ नॉट अ पाकिस्तानी ब्रांड बट दिस इज़ अ ग्रेट मॉइस्चराइजर विद हाइलुरोनिक एसिड और उसके साथ दिस हैज़ अ राइस वाटर. जैसा कि आपको पता है कि राइस वाटर और जो राइस का इंग्रीडियंट है ये कोरियन स्किन टाइप के लिए लाइक कोरियंस इसको बहुत यूज़ करते हैं और उनकी स्किन भी बहुत फ्लॉलेस लगती है. सो दिस मॉइस्चराइजर हैज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइलुरोनिक एसिड विद राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर. सो ये वाला भी आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं एंड दिस बॉटल इज़ लाइक कि आप इसको 6 months तक भी यूज़ करेंगे तब भी शायद ये बच जाएगा. सो येस, दिस इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव. अगर हाई एंड भी है पर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव इस तरह से आपको पड़ेगा कि काफ़ी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला कोरियन स्किन केयर है और लाइक ये भी मेरा पर्सनली फेवरेट मॉइस्चराइजर है. दिस इज़ अ सैटिन क्रीम और ये आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट करती है, इतनी शाइन देती है. हाई एंड है बट येस, आई लव द रिजल्ट्स. सो ये भी लाइक यू कैन यूज़ अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी ये बहुत अच्छा काम करती है. लाइक आपकी स्किन पर एक रोजी सा इफेक्ट आता है अगर आप इसको मेकअप से पहले यूज़ करते हैं. मैं इसको अक्सर प्राइमर के तौर पर यूज़ करती हूँ. सो येस, आई हैव शेयर्ड ऑल द अफोर्डेबल एंड एज वेल एज हाई एंड ऑप्शंस भी कि कौन से मॉइस्चराइजर्स किस तरह से हैं, मैं पर्सनली कौन से यूज़ करती हूँ, आपको AM और PM दोनों में यूज़ करना चाहिए और बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए मॉइस्चराइजर को. सो येस, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है वो आप ज़रूर लें, उसको यूज़ करें और मेरे साथ रिव्यूज़ शेयर करें कि मॉइस्चराइजर
यूज करने से पहले आपकी स्किन किस तरह की थी और जब आपने उसको प्रॉपर लाइक 15 डेज या 1 month यूज किया है उसके बाद आपकी स्किन में क्या डिफरेंस आपने फील किया. सो स्टे ट्यून्ड, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखिए.